प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज साहब, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य भूपेश बघेल साहब, सम्मान्य टी.एस. सिंहदेव जी, धनेन्द्र साहू साहब, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, प्रभदत्त साहू साहब, सत्यनारायण शर्मा जी, विजय जांगिड़ साहब, चंदन यादव जी, मंचासीन सभी, चौबे जी, बुद्धगुरु जी, कवासी लखमा साहब, मितेश जी, जयसिंह जी, सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, NSUI के, सेवा दल के, आज हम सब साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अभी दीपक बैज जी ने कहा कि 3 बजे तक का समय है। अभी 3 बजे का समय प्रशासन का है या इंद्र भगवान का है? क्या आपने कहा, आपने बारिश होने से रोका था, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि आपके आह्वान पर समूचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां पर एकत्रित होना, इस विधानसभा के बाहर प्रदेश के लोगों की पीड़ाएं, उनके जख्म को जग जाहिर करते हुए न्याय की मांग करने के लिए, सरकार की नींद खोलने के लिए आपने सब कार्यकर्ताओं को यहां पर आमंत्रित किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, सम्मानीय बघेल साहब ने, टी.एस. सिंहदेव साहब ने आपको जो बातें बोली, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पत्रकार ने आज मुझसे पूछा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि विधानसभा का गहराव सरकार के निर्माण के 2 साल 3 साल 4 साल के बाद होता है। अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को विधानसभा का गहराव करने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने उनको यह जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए जीती है और जनता के लिए मरती है। जब छत्तीसगढ़ के लोगों पर आपदा का, परेशानी का, भुखमरी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, उत्पीड़न का, शोषण का जब प्रकार हो रहा है, सरकार नींद में बैठी है, संख्या बल की होती है, और आज आप सबकी मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीवित है, ताकतवर है और जवाबदेही तय करने के लिए तैयार है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही राज्य छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, उनको खत्म कर इस सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। अभी पिछले 6-7 महीनों में जो हत्याएं हुई हैं, जो बलात्कार हुए हैं, जो डकैतियां हुई हैं, जो गोलियां चली हैं, जो लूटपाट हुई है, उसकी जवाबदेही तय करने को, सरकार को मजबूर करने का समय आ चुका है। मैं तमाम नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें याद रखना होगा, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, ये महात्मा गांधी की पार्टी है। अहिंसा से, विनम्रता से, लेकिन मजबूती से हमें अपनी बात रखनी होगी। अभी बघेल साहब भाषण दे रहे थे और मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं, पिछली बार 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हम राजस्थान में, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, और हम लोगों को वही तेवर अपनाने पड़ेंगे। ये सरकार जो घमंड में है, जो कांग्रेस के लोगों पर झूठे मुकदमे करती है, बलौदा बाजार के प्रकरण में सतनामी समाज के खिलाफ साजिशपूर्ण कार्रवाई कर लोगों में बंटवारा करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी कोई भी समाज हो, विशेष रूप से सतनामी समाज, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, हमारे लोगों को जेल में बंद करोगे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों पर मुकदमे करोगे, आमजन को परेशान करोगे, वहां के दुकानदारों से पूछो घटना को अंजाम देने के लिए बाहर के कौन लोग आए थे, सूचना तंत्र पूरी सरकार का सो रहा था। यह सरकार रायपुर से नहीं चलती, ये सरकार दिल्ली से चलती है। रायपुर के मंत्री मुख्यमंत्रियों को हवा नहीं है, हो क्या रहा है यहां पर, वो जो लिखकर दिल्ली से भेज देते हैं उस काम को सरकार करती है। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, आज समय है कांग्रेस पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ने का। आज पूरी जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस पार्टी मां रिवाज को उठाएगी। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक बैज जी को
कि आपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी बारिश के बावजूद, सरकार के रोकने के बावजूद, चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने का काम किया, लेकिन ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये रुकने वाला नहीं है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, कोई हिंसा करता उसकी निंदा करते हैं, लेकिन गरीब की, नौजवान की, किसान की आवाज उठाने का काम हम लोग पहले भी करते आए। हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने देश की संसद में किसानों की आवाज को उठाया है और हमेशा कहते हैं कि डरना नहीं है। ये लोग जो चिल्लाते जाता है, आंख दिखाते हैं, प्रशासन पुलिस का डर दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ इनका सामना करेंगे, चुनौती देंगे। 4 साल का समय है, इस सरकार की नींद खोलकर हमें काम करना है। और मैं इस मंच से तमाम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज जिस मजबूती के साथ प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं को लाने का काम किया है। और मैं तो सरकार को पूछना चाहता हूं, 10 सांसद बीजेपी के जीत कर गए और कल देश का बजट पेश हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला? छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ नहीं मिला, सिर्फ सरकार बजाओ बजट। ये दोनों प्रदेश के हमारे नागरिक, बिहार के साथी, आंध्र के साथी, हमारा कोई बैर उनसे नहीं है, लेकिन ये सरकार बचाने का बजट है, ये किसान को धोखा देने का बजट है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नौजवानों को जो नौकरी देने की बात की थी, आज वो घोषणा सरकार ने करी है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और आपसे